नमस्कार, एक सेकंड दिख नहीं रहा है। हाँ नमस्कार, ये है हमारा गेमिंग कैंटीन और आज एसुस प्रस्तुत करने जा रहा है ROG फोन 6। हर साल की तरह हमारी परंपरा जारी है, मेरे पास इसका प्रो एडिशन है, तो आओ देखते हैं इस साल क्या नई खोज की गई है। तो ROG फोन 6 प्रो का डिजाइन पिछले साल के अल्टीमेट जैसा है और जो नॉर्मल ROG फोन 6 है उसमें चमकता हुआ RGB लोगो है। प्रो में तुम देख सकते हो इसके पीछे ये PM OLED डिस्प्ले है जिसपे मैसेज आने पे व्हाट्सएप का आइकन आ जाता है, वगैरह वगैरह नोटिफिकेशन आ जाते हैं, स्नैपचैट का, इंस्टाग्राम का आइकन आ जाता है, या फिर अगर कोई तुम्हें कॉल कर रहा है तो उसका आइकन बना हुआ आ जाता है। बाकी तुम अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, लिखने को तुम राजा लिख दो, बादशाह लिख दो, जो तुम्हारा मूड करे वो लिख दो यार। अब आ जाते हैं इसके प्रोसेसर पे, जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, जो पिछले जनरेशन के ROG फोन से ओवरऑल 50% ज्यादा ताकतवर है। तो जो नॉर्मल ROG फोन 6 है उसमें 12 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज है, और जो ये प्रो एडिशन है इसमें 18 GB रैम है और 512 GB स्टोरेज है। तो पिछले साल घोड़े भाग रहे थे और इस साल घोड़े स्टीरॉइड्स पे भाग रहे हैं। इस पे तुम वो कर सकते हो जो बहुत गेमर्स का सपना रह चुका है, मतलब मोबाइल गेमर्स का सपना रह चुका है, वो ये है कि तुम इस पे गेंशन इंपैक्ट बिल्कुल हाईएस्ट सेटिंग पे खेल सकते हो और कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा। 60 का 59 हो जाएगा, लेकिन सही बताऊं इतना तो तुम नोटिस भी नहीं करोगे। तेज होने के साथ साथ ये पिछले जनरेशन के क्वालकॉम प्रोसेसर से 30% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। डिस्प्ले की बात करें, इस साल वापस इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की प्रोटेक्शन है और जो रियल लाइफ में तुम रंग देखते हो वही इसके डिस्प्ले पे देखने को मिलेंगे। और इस बार इन्होंने क्या अपग्रेड मारा है कि जो ROG फोन 5 था उसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट था, लेकिन इस बार 165Hz का रिफ्रेश रेट है। तो मतलब पहले मक्खन था, अब मक्खन पे तेल लगा दिया, समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें कोई पीछे से मार रहा है और तुम लेट फायरिंग करते हो तब भी तुम्हारे बचने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आ जाते हैं साउंड पे, आवाज कैसी है आखिर? आवाज बहुत क्रिस्प है, बल्कि इसके दो अलग अलग स्पीकर है जिनका खुद का एम्पलीफायर है जिसकी 0.80 mm की गहराई है। चाहे तुम पिक्चर देख रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो, तुम उसमें कतई घुस जाओगे अच्छे से। एंड ऑब्वियसली राइट साइड की ऑडियो राइट में ही आएगी, लेफ्ट साइड की ऑडियो लेफ्ट में आएगी, ताकि जब तुम फुटस्टेप सुन रहे हो तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो इसकी वाइब्रेशन है उसे 80% ज्यादा बढ़ा दिया गया, ताकि जब तुम खेल रहे हो ना कतई गेमिंग कंसोल वाली वाइब आए। अब देखो यार, गेमिंग में GPU और CPU तो जरूरी होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होती है कूलिंग। अच्छी परफॉर्मेंस स्पाइक तो कोई भी डिवाइस दे देगा, लेकिन खिलाड़ी वही है जो टिका रहा है। इसकी कूलिंग पे इस बार बहुत काम किया गया है। सबसे पहले तो स्प्लिट बैटरी सिस्टम है, एक बैटरी राइट में एक बैटरी लेफ्ट में, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो काफी ना जो हीट है वो स्प्लिट हो जाती है। इसमें दो ग्रेफाइट शीट भी है जो कि पिछले साल से 85% ज्यादा बढ़ी है, तो पूरे हीट को ना वो अच्छे से चूस लेती है और पूरे एरिया में बांट देती है। लेकिन इतना भी ना काफी नहीं है। इसका जो प्रोसेसर और मदरबोर्ड है वो बोरॉन नाइट्राइट से कवर्ड है जो कि हीट को बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, लेकिन उतना भी काफी नहीं है। पिछली बार से कॉपर 3D वेपर चेंबर का साइज 30% बड़ा हो गया है, जो और तेज कूलिंग करेगा। अब देखो, ये तो हुई ROG फोन 6 के अंदर की कूलिंग की बात, लेकिन अब जो मेन चीज है ना वो है बाहर की कूलिंग। देखो, अगर तुम ये फोन लेते हो तो मैं बहुत जोर से बोलूंगा कि तुम इसके साथ ये एरो कूलर लो, क्योंकि ये लाएगा असली क्रांति। ये दुनिया का सबसे पहला वायरलेस कूलर है। इसके तीन मोड्स हैं। सबसे पहला आता है नॉर्मल जो कि सिर्फ हवा फेंकता है, फिर आता है फ्रॉस्टी मोड जो कि फोन को खुद कूल करेगा, और फिर आता है फ्रोजन। जब तुम चार्जिंग केबल को प्लग करोगे तभी तुम इस मोड को इनेबल कर सकते हो, जिससे ये और पावर के साथ डिवाइस को कूल करेगा। मैं गेंशन इंपैक्ट खेल रहा था और कूलर लगाते ही फोन का टेम्परेचर 10 डिग्री गिर गया। एरो कूलर में 4 बटन भी लगे हैं। एडजस्ट करने में मुझे 1-2 घंटा लगा था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ऐसे हाथ कंट्रोलर की तरह बैठ गया है। तुम अपनी 8 उंगलियां एक साथ इकट्ठे गेम में इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये चीटिंग है? हाँ, फिर तुम खुद कर लो जुगाड़। पिछले साल की तरह इस बार भी एयर ट्रिगर्स का फीचर है, लेकिन उनमें नई हरकतें आई हैं, जैसे कि इनबिल्ट जायरोस्कोप। अगर कोई भी गेम है जिसके अंदर जायरोस्कोप तुम्हें चाहिए और वो सपोर्टेड नहीं है, तो तुम एयर ट्रिगर्स में जाके जायरोस्कोप इनेबल कर सकते हो। फिर जैसे ही मैं R1 होल्ड करूंगा, मैं जायरो का इस्तेमाल कर सकता हूं। दूसरा है शूटिंग असिस्ट। देखो 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 देखो, पहले ही बता रहा हूं, बहुत लोग तुम्हें हैकर बोल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली ट्रिगर होती स्क्रीन को हल्का सा ना स्लाइड करता रहता है, तो बेसिकली तुम्हारे जो गन का रिकॉइल है वो या तो थोड़ा सा कम होगा या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब मैंने BGMI में टेस्ट किया था इसको, उसमें सही बताऊं तो इतना इफेक्ट नहीं है, बट COD में AK-47 का रिकॉइल बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये देखो, ये है नॉर्मल फायरिंग और फिर अब ये है शूटिंग असिस्ट के साथ।
अब तुम खुद देख सकते हो लिटरली ऊपर जा ही नहीं रहा है। हमने इसका AnTuTu बेंचमार्क भी किया है जिसमें ये 99% यूजर्स को बीट कर चुका है। बाकी देखो इस फोन को मैं अभी और रगड़ने वाला हूँ। जब भी Asus का कोई नया फोन आता ना मैं हमेशा 2 महीने तक तो खेलता ही रह जाता हूँ, लेकिन फिर काम भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बैठ के बस खेलते ही रहो, लेकिन जब खेलो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी भी यही मेंटालिटी है तो ROG फोन 6 तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब चलो यार हम भी जा रहे हैं, तुम्हें अगर Asus ROG फोन 6 चाहिए तो लाइक मारो। इसी के साथ कोई मैगी वैगी बना दो यार, बहुत भूख लग रही है। खत्म करें, कैंटीन में कुछ रखा पीछे?